बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी ग्रेवी, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून बटर और मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज फ्लावर, 1/2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च। इसको मैंने थोड़े से पानी में इस तरह डिजोल्व कर लिया है। अब हम अपना स्टोव ऑन करेंगे और बटर को मेल्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिए। बटर की जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ऑल पर्पज फ्लावर और ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से स्टर करेंगे। अब हम इसमें 1 कप वाटर ऐड करेंगे। उसको अच्छे से स्टर करते रहेंगे। ये बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर डालेंगे। और सॉल्ट हम थोड़ा सा डालेंगे। और हमने ये चिकन मैगी क्यूब्स रखा है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 डालेंगे हम पहले। हम इसको पूरी ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे। कलर इसका थोड़ा सा और डार्क करने के लिए हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे हम इसमें। और इसको अच्छी तरह स्टर करते रहेंगे। सोया सॉस हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला है, तब जाके इसका कलर अच्छा आया है और हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बॉइल आ गया है इसमें, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अच्छे अच्छे फीडबैक दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।